मिल्लत कॉलेज स्थित अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास को लेकर छिड़े घमासान के बीच आखिरकार हॉस्टल अधीक्षक डॉक्टर इस्मत जहां ने रविवार की देर शाम अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक आरोप पर अपना पूरा पक्ष रखा है। फिर वह बीते दिनों घटी मारपीट की घटना हो या फिर गर्ल्स हॉस्टल के अंदर बाहरी पुरुषों की आवाजाही के प्रवेश का मामला या हॉस्टल परिसर के अंदर अपने पति और बेटे के साथ रहने का मुद्दा हो, हॉस्टल अधीक्षक ने जवाब देते हुए कहा है कि जो दोषी है उसको सजा मिले और समाज के हॉस्टल में समाज की बेटियों को कैसे सुरक्षा और सम्मान के साथ रहने का अवसर मिले यह समाज के लोगों को तय करना होगा। हॉस्टल को लेकर काफी विवाद मचा हुआ है, कई तरह के आरोप लग रहे हैं। कुछ दिन पहले एक घटना भी यहाँ घटी जिसमें मारपीट हुआ, आप लोगों ने एक थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई, क्या कुछ मामला था पहले उस पर बताएं। ये हॉस्टल माइनॉरिटी गर्ल्स हॉस्टल 2019 में खुला, 6 महीना साल भर तक बहुत अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे लड़कियां बाहर से जब पढ़ के आती थी तो शिकायत करने लगी। यहाँ का टाइम है 6:30 बजे सुबह से 6:30 बजे शाम तक, गर्मी के दिन में 7:30 बजे तक, तो ये इन लोग शिकायत करने लगी कि कुछ लड़के हम लोग को छेड़ते हैं, ये बोलते हैं वो बोलते हैं। तो हम कहा कि चलो कुछ दिन जो है वो चलो ये उम्र थोड़ा दूसरे टाइप की हो गई, मैं चलो बर्दाश्त कर लो पढ़ने के लिए, यहाँ अंदर कोई नहीं ना आ रहा है, बाहर में कोई कहा है, तो हमको एक आभास भी लोग बताए भी, मैं भी आभास से पकड़ी कौन कौन इस तरह से कर सकता है, क्योंकि जो लड़का भी लड़कियों को छेड़ता था वो मोहल्ला ही का था। तो अभी क्या हुआ कि 2019 से ये 4 साल हो गया है समझिए इस हॉस्टल को, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ कि ग्राउंड में रात में 11 बजे से कुछ लड़के 10-15 लड़के वो बिस्तर तकिया कुर्सी लगा करके 3 बजे रात तक बैठते हैं, तरह तरह का तंज करते हैं, वैंक करते रहते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो बच्चियाँ बताती हैं नीचे आ करके कि मैम ऐसे है वैसे, कभी कभी मैं भी ऊपर जा करके हमेशा देखती हूँ जो बच्चियाँ किस तरह कैसे रह रही हैं। तो घटना से पहले इसकी आपने कहीं शिकायत नहीं की थी कि इस तरह की शिकायत नहीं? चूंकि ये ऐसा नहीं जैसे रास्ते उससे में छेड़छाड़ी हुआ हॉस्टल में नहीं होता था, जैसे कभी गेंद आ गया तो फिर वापस हम लोग दे देते थे, लेकिन उस दिन 20 तारीख की रात में क्या हुआ जो दीवार पे चढ़ गया, और दीवार पे चढ़ के और तरह तरह की आवाज़ निकालना, बदतमीजी करना, तो फिर बच्चियाँ ये 11:40 की बात है बच्चियाँ डर गई, तो गार्ड को देखने के लिए 2-4 बच्चे भी थे, हम लोग भी, तो वो देखने के लिए गार्ड गया पीछे से कि कोई है तो नहीं, बच्चा सब है, छोटा बच्चा डराता होगा, हम लोग ऐसा नहीं सोच रहे थे कोई बड़ा लड़का ऐसा किया होगा, छोटा बच्चा के बारे में सोच रही थी, लेकिन गार्ड देख के तो वहाँ कोई था नहीं, लेकिन जैसे ही मस्जिद के तरफ आगे हम लोग के दरवाजे की तरफ आने लगा तो वैसे उन लोग घींच करके ले गया, गार्ड को बहुत मारा होगा, तो उसको छुड़ाने में कुछ बच्चियाँ भी थी, गार्ड को छुड़ाने में बच्चियाँ भी थी, मेरा छोटा बच्चा भी उसको छुड़ाने में था जिसका हाथ उत भी छिल गया, तो गार्ड बुरी तरह पिटा गया उसको लाठी उठी से, चूँकि गार्ड की ही लाठी थी लेकिन लाठी छीन करके ही गार्ड को मारने लगा किसी तरह, जब सब हम लोग दौड़े जब तक गार्ड को बहुत मार मारा, दांत से खून निकल रहा था, फिर गार्ड जो है किसी तरह गार्ड को हम लोग लाए, और तब हम थाने में हमने वो इन्फॉर्मेशन कहाँ करते, थाना ही को करते ना, तो थाना को खबर किए, लेडी एसआई थाना को कि ऐसे ऐसे हॉस्टल में ना वो गार्ड के साथ ऐसे ऐसे हो गया, जो लड़का बदतमीजी कर रहा था, लड़की लोग चीखने लगी, डर गई सब, देखने के लिए गए, वापस आने के क्रम में पकड़ के ऐसे ऐसे जो है मारा, तो वो लोग आए, पुलिस की गाड़ी आई, थाने से लोग आए, डीएसपी साहब आए, तो पूछा गया तो डीएसपी साहब खुद भी देखे गार्ड को, तो वो खुद बोले कि इतना मतलब चोटिल था वो, जगह जगह से खून निकल रहा था, जो डीएमसीएच में इसको भर्ती करवाइए, फिर रात में उसको भर्ती करवाया गया। तो सुबह में सर चूँकि मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं हॉस्टल के अधीक्षक हूँ, कि सेफ्टी के ख्याल से कि चूँकि यहाँ बच्चियाँ रह रही हैं और आइंदा भी ऐसा नहीं हो, हमने थाने में अपनी एक रिपोर्ट भी हमने दर्ज करवाया। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोग हैं जो बच्चियों के साथ इस तरह का छेड़छाड़ करते हैं, वो ऐसे बच्चों को सख्त सजा दी जाए और बच्ची को और हमारी फैमिली को, चूंकि मेरा ये भी क्वार्टर भी इसी जगह है जो मैं किराए पर ले रखी हूँ, प्रोफेसर समीम साहब का वो ये है मकान है, मैं वो ले रखी हूँ, तो मुझे एक डर सा लगता है कि यहाँ पे बच्चियाँ महफूज है कि नहीं, मेरी फैमिली महफूज है कि नहीं, मैंने रिक्वेस्ट किया है। किससे डर लगता है आपको? मोहल्ले के लोग से। क्या कभी 4 साल में इन लोगों की कभी कोई शिकायत की है कहीं पे आपने मोहल्ले के वासियों में? नहीं, हम तो शिकायत नहीं किए, लेकिन ये आती थी बात कि जो कैसे हॉस्टल चला पाती है, इसको देख लेंगे, ये कौन महिला है, कहाँ से आई है, इसका घर कहाँ है, कहाँ आकर के रह रही है,
ये इस तरह की बात सुनने को मिलती है। अच्छा, जो घटना घटी, गार्ड को मारा गया, कौन लोग थे उसमें से, एफआईआर में किसका नाम दिया था? एक आदमी का, देखिए चूंकि उसमें 20 लड़का था, 15 से 20 लड़का था, लेकिन एक लड़के का नाम हमने उसमें दिया। क्या जो इन लोग भी उसका नाम जानती है, सब कोई जानता है। अच्छा। बता ठीक है, तो ये बात क्या नाम था? बुशरा अजहर खान और उसके सहयोगी। अच्छा। और शकल से हम भी सब लड़के को जानते हैं। अच्छा। उन लोग कॉलेज वॉलेज में भी जाता है वो लड़का, और उन लोग का शाम में जब लड़की के आने का टाइम होता है तो बाहर के नुक्कड़ में वो लोग पहले से खड़ा हुआ रहता है। अच्छा, दूसरा आरोप आप पे लग रहा है कि आप अपने परिवार, पति बेटे के साथ, दामाद तक के साथ आप यहाँ हॉस्टल के अंदर रहती हैं, तो ये क्या मामला है? ये तो मैं सरे से खारिज करती हूँ, ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। इसलिए कि मैंने दोषी को सजा देने के लिए मैंने केस किया है, और केस पे हमको डराने के लिए और धमकाने के लिए, ताकि वो समझौता करने के लिए इस तरह का आरोप हम पे लगाया जा रहा है कि वो यहाँ, तो जब ऑलरेडी हमने फ्लैट ले रखा है, बेटी हमारी अलग थलग हमसे रहती है, दामाद हमारे अलग अलग थलग, वो खुद प्रोफेसर है, वो मेरे साथ क्यों रहेंगे? क्या कभी आपके दामाद क्वार्टर के अंदर कभी नहीं आए? क्यों आएंगे? क्या क्या होता है आने का मतलब? कुछ लोगों का ये भी कहना है, जो पब्लिक पिटीशन दाखिल हुआ है इस पंचायत से, मैं भी आपके मोहल्ले से, कि सीसीटीवी 15 से एक महीने का देखा जाए। बिल्कुल, मैं उसके लिए 15 दिन नहीं, आप जब से 2019 से यहाँ चल रहा है, आप पूरा सीसीटीवी खोल करके देख सकते हैं। हम लोग इसके साथ इसके लिए तैयार हैं, जहाँ दिखाना है आप लोग उसको देख सकते हैं, उसमें तो सारी चीज होगी। अच्छा, तीसरी बात की जो बीती रात एक महिला सुरक्षाकर्मी जो यहाँ तैनात थी, उन्होंने आप पर आरोप लगाया कि कुछ राज को छुपाने के लिए उन्हें फौरी तौर पर यहाँ से निलंबित कर दिया गया। कहाँ निलंबित हुई? उगार तो अभी है ही, काम गेट पर है ही। उनका बयान है, चूंकि लिखित आवेदन भी है। नहीं तो प्रवीण, देखिए गार्ड को रखने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, वो ऑफिस के माध्यम से कंपनी द्वारा गार्ड को रखा गया है, ना उसको रखने की मेरी जिम्मेदारी है ना हटाने की जिम्मेदारी है। बीती रात जो घटना हुई, हमने डीएम ये इसको थाना को लिख करके दिया था, और डीएम साहब को भी, कि अगर वो हमारे पास अगर सरकारी गार्ड होता तो वो प्रोफेशनल होता, शायद ऐसी घटना नहीं घटती। तो सरकारी गार्ड हमारे पास दो ऑलरेडी आ गए, तो तीन ये प्राइवेट गार्ड है, तो पांच गार्ड मिला करके हो गया। तो एक बात ये सामने आई कि पांच गार्ड है, उसका टाइम क्या होगा, अलग अलग टाइम में ड्यूटी कौन कौन करेगा, तो वो तो कंपनी वाले के माध्यम से होगा, कंपनी वाले करेंगे, या ऑफिस का मामला, ये मेरा मामला नहीं है, ना हम रख सकते हैं ना हम हटा सकते हैं, ये मेरे थ्रू नहीं होता, क्योंकि ये हॉस्टल समाज का है, यहाँ जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं वो समाज की है। लड़की की ड्यूटी है 8 बजे रात से, दिन से 8 बजे रात तक। कह रहे कि ये जो हॉस्टल समाज का, यहाँ की बच्चियाँ समाज की हैं, तो आप समाज के लोगों से क्या अपील करेंगी समाज की बच्चियों की सुरक्षा के लिए? मैं समाज के लोगों से गुजारिश करूंगी कि आपकी बेटी जो कल तक पढ़ने नहीं जाती थी, बाजाब्ता उसकी तालीम नहीं होती थी, हर घर में, ये नहीं कहती हूँ पैसा पूंजीपति लोग हैं और गरीब लोग हैं, किसी घर में बाजाब्ता लड़की की पढ़ाई नहीं होती थी। ये सरकार ने एक अवसर दिया है कि माइनॉरिटी गर्ल्स हॉस्टल खोल करके बच्चियों को उसकी बेसिक तालीम जो है वो मुकम्मल तौर से हो। मैं समाज से ये गुजारिश करूंगी कि आप बच्चियों को अच्छे से पढ़ने दें, ताकि आने वाले दिन में जो हिंदुस्तान का मुस्तकबल है, जो इनकी गोद में परवान चढ़ेगा, एक मजबूत और फौलादी औलाद पैदा हो जो हिंदुस्तान की तरक्की का काम कर सके। अच्छा, सीसीटीवी कैमरा की जो बात चल रही थी, तो क्या पुलिस ने आपसे सीसीटीवी कैमरा का जो फुटेज सब है उस घटना से लेकर के या उससे पहले का लिया गया है, या आप उसे प्रोवाइड करेंगे? नहीं, ये सीसीटीवी कैमरे के लिए थाना पर से लोग आए थे, तो हमने कहा कि जी आपको जहाँ भी दिखाना है आप कैमरा ले जाइए और देख लीजिए।